गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ अ भाई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 4 ऑफ क्लास 3, विच इज अ लिटिल फिश स्टोरी। चैप्टर का नाम है अ लिटिल फिश स्टोरी, और पहले इस चैप्टर को हम लोग थरो रीड करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जब हम थरो रीड करेंगे तो नीचे कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं मैं उन्हें बता दूंगा, और बीच बीच में भी कुछ मीनिंग्स होंगी जिन्हें मैं या बताने लायक होंगी उन्हें मैं बता दूंगा आपको। लेकिन आपको इसे रटना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश रटने की चीज़ नहीं है। हाँ, इतना माइंड में फीड कर लेना है कि हाँ मतलब अंडरस्टैंड हो जाए, जिससे कि उतना ही बस फीड करना है। ये नहीं कि रटे पड़े हैं, बस रटे पड़े, रटना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल फिश स्टोरी चैप्टर का नाम है। फिर देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सी, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन डेट। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग्स, एवरीथिंग्स मतलब सब कुछ, इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। When he was not happy, you will laugh. Laugh मतलब होता है हंसना, will लगा हुआ है तो आप हंसोगे। When I tell you why he was not, he was unhappy. Unhappy मतलब खुश नहीं होना या दुखी होना। Because he was so very small, very small मतलब बहुत छोटा। It is very hard to be such a little mite. Little मतलब भी छोटा होता है और mite मतलब भी छोटा ही होता है। Of a fish, he would say over and over again, मतलब बार बार, if I were only larger, how much happier I could be. Happier मतलब खुश होना, how much मतलब कितना ज्यादा। And he said it so many times मतलब कई बार, and I think he believed it. बिलीव मतलब विश्वास करना, या ऐसा वो विश्वास रखता था। वन डे ही वॉज स्विमिंग एलॉन्ग विथ द रेस्ट मतलब बाकी की, रेस्ट मतलब बाकी की, ऑफ हिज स्कूल। ऑफ हिज स्कूल का मतलब होता है कि सिर्फ स्कूल पढ़ने वाले को ही नहीं बोलते हैं। यहाँ पे स्कूल का सेंस ये है कि जो मछलियों का झुंड होता है उसे स्कूल बोलते हैं, ठीक है। एंड थिंकिंग, और वो सोच रहा था, नो डाउट मतलब डाउट नहीं है, ठीक है। हाउ मच मोर देन लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, व्हेन सडनली मतलब अचानक, विथ नो वार्निंग। नो वार्निंग मतलब होता है, विथ नो वार्निंग मतलब बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ ग्रेट नेट। मैसेज ऑफ ग्रेट नेट मतलब होता है, नेट मतलब तो जाल होता है, और मैसेज मतलब होता है फंदे वाले जाल, ठीक है। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग। फ्लाउंडरिंग मतलब होता है छटपटाना, ठीक है। वो जब जाल में फंस जाती हैं तो वो क्या करती हैं, छटपटाने लगती हैं, तो उसको स्प्लैशिंग बोलते हैं, फ्लाउंडरिंग उसको बोलते हैं जब वो छटपटाती हैं। और मैसेज मतलब स्प्लैशिंग मतलब होता है छप छप की आवाज़ करना, पानी से वो भीगी होती हैं इसलिए छप छप टाइप की आवाज़ आती है जब वो छटपटाती हैं तो। एंड द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बींग। इम्पटाइड, इम्पटी का इम्पटी से बना हुआ है इम्पटाइड, इम्पटी मतलब होता है खाली, इन टू द बोट, बोट मतलब नाव। अ स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल व्रिगल्ड, व्रिगल्ड मतलब होता है व्रिगल, व्रिगलिंग जब क्या बोलते हैं कि मछलियाँ तैरती हैं, फिशेज जब फ्लोटिंग करती हैं तो वो क्यों कैसे करती हैं, जब वो विगल करती हैं तभी वो तैर पाते हैं। विगल का मतलब इधर उधर करना, मचलना, ठीक है। जब वो मचलती हैं इधर उधर तो चलती हैं, आप देखेंगे जब वो तैरती हैं तो पूंछ उनकी हमेशा हिलती रहती है एक तरफ पीछे से, ठीक है, दोनों साइड हिलती हैं, तो उसी को व्रिगल बोलते हैं। थ्रो द मेस एंड शिफ्ट बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, कूल मतलब ठंडा, क्लियर मतलब साफ सुथरा। हाउ गुड इट फेल्ट, फेल्ट मतलब होता है महसूस किया। ही स्वाम, स्विम से बना है स्वाम।
ही वाज हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल, न्यू हिम वेल का मतलब अच्छे से जानती थी। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, रेस्ट मतलब बताया है बाकी के, सेड दैट दे नेवर अगेन हियर्ड, हियर्ड मतलब सुने, हिम से दैट ही विश टू बी एनी वन बट अ लिटिल फिश। ओके, नीचे मीनिंग है मिलियन, मिलियन मतलब लाख। फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडरिंग मतलब होता है छटपटाना, ठीक है। मेस, मेस मतलब जाल, ठीक। हॉल, हॉल मतलब ढेर, ठीक है। कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग का मीनिंग हमने बताया भी था और फिर जान लीजिए, स्प्लैशिंग मतलब छप छप की आवाज़ करना। एम्पटाइट, खाली। व्रिगल, व्रिगल जो जब वो तैरती हैं तो वो क्या करती हैं, तो तैरती हैं व्रिगल करती हुई तैरती हैं। वार्निंग मतलब चेतावनी। अब आ जाइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। देर आर ए ग्रेट मेनी मिलियंस फिश इन द सीज, समुद्रों में जो है क्या होती हैं, ग्रेट मेनी मिलियंस, कई लाख मछलियाँ होती हैं। बट लेकिन दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, लेकिन ये स्टोरी उनमें से एक मछली की है। एंड अ वेरी स्मॉल वन डैट एट डैट, और वो कौन है, वो बहुत ही छोटी मछली है जिसके बारे में ये कहानी है, ठीक है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरी थिंग्स इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड बट ही वॉज नॉट हैप्पी। कह रहा है कि दिस फिश हैड एवरी थिंग्स, ये जो फिश थी उसके पास, फिश था उसके पास क्या था, सब कुछ था। इन द सी, समुद्र में, समुद्र में उसे सब कुछ था जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। एक मिनट, तो संतुष्ट हो सके। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ, आप हंसेंगे, वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट, जब मैं ये बताऊंगा कि वो क्यों हैप्पी नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, वो इसलिए अनहैप्पी था, इसलिए वह उदास था, या इसलिए वह खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत क्या था, स्मॉल था, बहुत छोटा था। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से, वो क्या कहता होगा, इट इज वेरी हार्ड, यह कितना मुश्किल है, टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, एक छोटी फिश होना, एक छोटी मछली होना, ये कितना मुश्किल है, वो बार बार सोचता रहा होगा या कहता रहा होगा। ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। इट इफ आई वर ओनली लार्जर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड, यदि मैं ओनली लार्जर मतलब थोड़ा और लार्जर, लार्जर मतलब होता है बड़ा, ये जो है कि सुपरलेटिव डिग्री है। जब आप आगे क्लासेस जाएंगे तो डिग्री एक चैप्टर आएगा ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, उसमें होता है पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, अरे पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो खैर ये अलग की बात है, ये टॉपिक अलग है। तो ये इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड मी, अगर मैं थोड़ा और या इससे और ज़्यादा लार्जर होता तो मैं कितना हैप्पी होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, और वो क्या बार बार ये बोलता था, ही सेड सो मैनी टाइम, कई बार वे बोला डेट कि आई थिंक ही बिलीव्ड इट, और मुझे लगता है कि वो ऐसा ही बिलीव भी करता था कि नहीं मैं अगर थोड़ी बड़ा होता या इससे बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग एलॉन्ग विथ द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, कह रहा है कि स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, वो अपने ग्रुप के बाकी सारे सारी मछलियों के साथ वो क्या कर रहा था, तैर रहा था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, नो डाउट, आपको डाउट नहीं है कि वो क्या सोच रहा होगा, यही सोच रहा होगा ना कि नहीं मैं भी बड़ा था तो कितना, इस तरीके की चीज़ है। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, कह रहा है वो सोच रहा था कि हाउ मच मोर लार्जर, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, हाउ मच मोर मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल, कह रहा है इसका कहने का सेंस ये है कि जो बड़े मछलियाँ होंगी वो उसकी तुलना में, जो छोटी मछली उसकी तुलना में कितनी ज़्यादा खुश होंगी, किसके, अरे थैंकफुल होंगी, किसके किसके तुलना में, इस छोटी मछली की तुलना में बड़ी मछलियाँ कितनी ज़्यादा थैंकफुल होंगी गॉड की। वेन सडल टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, When suddenly, जब अचानक, with no warning, बिना किसी warning के, they found themselves in the meshes of a great net, कह रहा है कि वो अचानक वो पाते हैं, क्या पाते हैं, they found themselves, अपने आप को
इन द मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट, कह रहा है कि वो मैसेज मतलब मैसेज वाले फंदे वाले फंदों वाली एक बड़ी जाल में अपने आप को जब पाते हैं। दे वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एट द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। कह रहा है कि देयर वॉज मच, वहां जब जहां ये मछलियां फंसी हुई थी वहां पे बहुत ज्यादा फ्लंडरिंग हो रही थी, छटपटाहट हो रही थी, क्योंकि सारी मछलियां छटपटा रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ड्रॉन वॉज ड्रॉन अप आउट, वो उस नेट को जो है कि अब तो मछलियां फंस चुकी थी तो नेट को क्या कर रहे थे, बाहर खींच रहे थे सनलाइट में। एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बींग, और क्या किया जा रहा था, इट हॉल वॉज बींग इम्पटाइंड इन टू द बोट, और वो जो हॉल था जिसमें ये फंसे हुए थे उस नेट को क्या बोट में, एक जो है बोट थी, बोट रही होगी उसमें जो है कि बोट में उसे खाली किया जा रहा था। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, जो उस ग्रुप में स्मॉलेस्ट फिश था, जो सबसे छोटा मछली था, व्रिंगल्ड, उसने व्रिंगल्ड किया, जैसे वो तैरते हैं उस तरीके से व्रिंगल्ड किया, थ्रो द मेस एंड स्लिप बैक इन टू द कूल क्लीन वाटर, और क्या हुआ कि वो जब रिंगल गया तो वो मेस में से जो जाल थी उसमें से क्या हुआ, थ्रो द मेस एंड स्लिप आउट, जब वो मेस में रिंगल किया तो वो क्या हुआ, तुरंत स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लीन वाटर, वो सरक के क्या हुआ कि वो सरक के क्लीन साफ सुथरे पानी में और ठंडे पानी में पुनः वापस आ गया। हाउ गुड इट फेल्ट, वो कितना अच्छा महसूस किया होगा। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो क्या किया, यहां वहां स्वयं किया, स्विम से स्वयं बना है तैरा। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल, और कुछ मछलियां जो उसे अच्छे से जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी जितनी भी लाइफ बची थी, जिंदगी भी जिंदगी बची थी, सेड डैट, बताया कि दे नेवर अगेन हियर्ड हिम, कि वो उन्होंने कभी नहीं सुना उससे, सेड डैट ही विश टू बी एनी थिंग्स बट अ लिटिल फिश, कि वह कुछ भी होता, वो कुछ भी किसी भी चीज की इच्छा करता, बट ही नेवर दे नेवर अगेन हियर्ड हिम टू से डैट, वो बार बार जो बोलता था ना कि नहीं मैं कितना अच्छा होता कि अगर मैं बड़ा होता बड़ी मछली, लेकिन उन्होंने फिर ये चीज कभी नहीं सुना कि वो ये बोले कि कितना अच्छा होता अगर मैं बड़ी मछली होता या लार्जर होता। ही विश टू बी एनी थिंग्स बट अ लिटिल फिश, वो कुछ भी होता लेकिन वो क्या होता, एक लिटिल फिश ही ठीक है। ओके न्यूवर्ड, तो आइए अब हम इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं या एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट है रीडिंग इज फन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी फिशेस आर देयर इन द सी, समुद्र में कितनी फिशेस होती हैं। देयर आर ग्रेट मेनी मिलियंस फिशेस इन द सी, समुद्र में लाखों फिशेस होती हैं। सेकेंड है, Why was the little fish unhappy? इसका आंसर होगा, the little fish was unhappy, वो उदास था, because क्योंकि he was very small, वो बहुत छोटा था। Third है, what happened to the fish one day? एक दिन fish को क्या हुआ, मछली को क्या हुआ? तो answer है, one day the fish got caught into a big net while swimming in the sea with his friend. एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विम कर रहा था, उस दौरान होता यह है कि वो क्या होता है, पकड़ा जाता है इन अ बिग नेट, वो एक बड़े नेट में, एक बड़े से जाल में पकड़ा जाता है। कब, वाइल स्विमिंग इन द सी, सी में जो है कि स्विम करने के दौरान वो पकड़ा जाता है विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ वो स्विम कर रहा होता है उसी टाइम पकड़ा जाता है। क्वेश्चन 4 है, वाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी ए लिटिल फिश, अब जो है कि जो फिश था वो अब थैंकफुल क्यों था एक लिटिल फिश होने की वजह से, कि वो इसलिए क्यों थैंकफुल था कि वो अब वो कि वो एक लिटिल फिश है। आंसर, द फिश वाज थैंकफुल, फिश क्या था, वो थैंकफुल था टू बी लिटिल फिश, वो थैंकफुल था क्योंकि वो लिटिल फिश था, बिकॉज क्योंकि ही वाज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्माल, से वो अब तक सेव्ड था, वो अब तक सुरक्षित था, क्यों, क्योंकि उसकी जो साइज थी वो स्माल थी, इसी वजह से वो थैंकफुल था अपने स्माल साइज की वजह से, और पहले इसी की वजह से वो अनहैप्पी भी था। टॉक टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर ए लिटिल फिश,
आप ये इमेजिन करिए कि आप एक लिटिल फिश हैं, छोटी मछली हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू, तो आप क्या अपने चारों तरफ देखोगे, ठीक है, देख पाओगे। तो आंसर है देर इज ए वेस्ट एक्सपांस ऑफ वाटर अराउंड मी, वास्ट एक्सपांस ऑफ, ढेर सारा पानी फैला होगा मेरे चारों तरफ। एंड ए नंबर ऑफ फिश स्मॉल एंड बिग स्विम अराउंड मी, और ए नंबर ऑफ फिश, ढेर सारी फिश, ठीक है, स्मॉल एंड बिग, जो कि छोटी और बड़ी होंगी, स्विम अराउंड मी, क्या करेंगी, मेरे तरफ चारों ओर तैरेंगी। देर आर सेवरल बोट्स, कई बोट्स होंगी, सेलिंग बोट्स मतलब नाव, सेलिंग मतलब होता है खेना, नाव को चलाना, ऑन द वाटर, चल रही होंगी वाटर पे। सेवरल फिशरमैन आर कमिंग टुवर्ड्स अस विथ देयर बिग नेट्स, और कई सारे फिशरमैन जो है क्या होंगे, कमिंग टुवर्ड्स अस, हम लोगों की ओर आ रहे होंगे विद देयर बिग नेट्स, अपने बड़े जाल के साथ, ठीक है। और एक सेकेंड क्वेश्चन है जिसे आपको, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे आपको खुद करना है, आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। फोर है वर्ड बिल्डिंग, फर्स्ट है लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पैटर्न है लुक और लुक्ड, लुक से लुक्ड बना है, तो पिक का पिक, ये पास्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सबको ट्रांसफॉर्म करना है। बार्क बार्क्ड, वांट वांटेड, टॉक टॉक्ड, विश विश्ड, पुल पुल्ड, हेल्प हेल्प्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, राइट सही शब्दों को चुन करके सही शब्दों के साथ बॉक्स को भरिए। तो सही वर्ड क्या होंगे, ए बॉक्स ऑफ माचिस, माचिस, ठीक है, तो माचिस की जो तिलियां होती हैं उनका क्या है, बॉक्स है। ए सीट ऑफ पेपर, पेपर की सीट है। ए हर्ड ऑफ काऊ, काऊ की झुंड। ए पैक ऑफ वुड, ठीक है। फिर लेट्स राइट, लिखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंसेस को देखिए, फॉलोइंग सेंटेंस, इफ I were only larger, how much happier I could he make more sentences like this. ये जो सेंटेंस है मोर, उसी के तरह मोर सेंटेंस, और ज़्यादा सेंटेंस बजाय यूजिंग वर्ड इन द बॉक्स बनाना है आपको, ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उसको यूज करके, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट है इफ आई वर ओनली टॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर सेकेंड है If I were only smaller, how much happier I could be. तो इसी तरीके से यूज करके इसमें छः सेंटेंस बनाना है, चलिए बोल देते हैं हमें। थर्ड है If I were only thinner, how much happier I could be. फिर फोर्थ है If I were only clever, clever मतलब होता है चालाक होना, how much happier I could be. If I were only younger, how much happier I could be. If I were only older, ओल्डर मतलब बड़ा, यंगर में छोटा, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग, महेश सिंगिंग ए लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक एट हिम, व्हाई आर यू क्राइंग महेश ही आस्क, वेंकटेश्वर जो है वो देखते देखते क्या पूछता है महेश से कि व्हाई आर यू क्राइंग, महेश सेज, महेश बोलता है आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रहा हूँ, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक अंग्रेजी गाना गा रहा हूँ। चूज द राइट वर्ड्स, तो इसमें से ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से राइट वर्ड को चुनना है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है महेश सिंग्स अ लॉन्ग लिटिल सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग, तो वो लिटिल सॉन्ग, ठीक है। वेंकटेश लुक्स साउट एट हिम, तो वेंकटेश क्या करता है, देखता है उसे, ठीक। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, ठीक है। फोर्थ है महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, द सॉन्ग इज इन तेलुगु और इंग्लिश, तेलुगु में होता है या इंग्लिश में, तो इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम यूनिट 5 पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।